आज हम इस तरीके से पाउच बनाना सीखेंगे। ये थ्री पॉकेट पाउच है, कपड़े के छोटे से टुकड़े से हमने इसे बनाया है, तो कोई भी ब्लाउज पीस का बचा हुआ पीस हो आप उसे बना सकते हैं। तो पॉकेट्स दिखा देती हूँ मैं आपको इसमें। एक पॉकेट हमने इसके यहाँ पे बनाई है, देखिए टॉप में इस तरीके से वन, एक पॉकेट यहाँ पे है टू, और एक बड़ी पॉकेट मोबाइल वगैरह या कुछ भी आप सामान रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थ्री। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम कपड़ा लगता है। तो चलिए हम इस पाउच को बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने कपड़े का पीस लिया है, कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो, मेरे पास ब्लाउज पीस का बचा हुआ कपड़ा है। इसकी लंबाई मैंने ली है 9.5 इंच और ऐसे मैंने लिया है 8.5 इंच। तो कपड़े का पीस है, इसके नीचे लगाने के लिए रबर शीट, क्या आप रबर शीट नहीं है तो बुकरम है, बुकरम यूज़ कर सकते हैं, कैनवस यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड आटा बैग, राइस बैग, जो भी आपके पास उसकी एक शीट। ये तो मैं पतले वाला इस तरीके से रबर शीट यूज़ कर रही हूँ, तो एक शीट ये, इसके ऊपर इसे ये रखना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे वन पीस बना लीजिए। ये इस पे पूरे पे सिलाई लगी तो सिंगल पीस रेडी हो गया। यहाँ से ये हमारा 9.5 इंच वाला हिस्सा है, 9.5 इंच। यहाँ से इसे बीच में सेंटर में से अलग कर दीजिए, तो इसे मैं फोल्ड करके सेंटर में से अलग कर दूँ, सेंटर में से अलग कर लिया। अब इस साइज की हमें जिप चाहिए, ये जिप ले ली, और एक इसी साइज की एक पीस हमें लाइनिंग का चाहिए, सेम साइज का 9.5 इंच बाय 8.5 इंच लाइनिंग का पीस, और इसे मैंने सेंटर में से अलग कर लिया। जिप लेनी है इस साइज की, एक पीस ले लीजिए कोई भी, जिसे मैं ले लेती हूँ। जिप को रखना है सीधी तरफ अंदर की तरफ, और उसके ऊपर रखना है ये लाइनिंग वाला पीस, इस तरीके से तीनों पीसीज रख लिए। यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। यहां पे रनर को इंसर्ट कर लीजिए, ये देखिए ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे इस तरीके से यहां पे फोल्ड कर दीजिए, और यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, हमारा रेडी हो गया। अब 2 मिनट इसे साइड पे रख दीजिए, और ये जो दूसरा कट किया था पीस, ये वाला पीस लेना है, और यहां से हमें इसे इसमें भी हम जिप को इंसर्ट करेंगे। तो यहां से हमें बीच यहां से 1 इंच इस पे भी हम जिप लगाएंगे, 1 इंच के करीब लंबाई में से कट कर लीजिए, कट कर लीजिए। अब यहाँ के लिए भी हमें एक जिप चाहिए, तो ये मैंने कट कर लिया। अब एक साइज की जिप लेनी है, हमें इस पे जिप लगानी है, तो ये साइड पे रखा, इसे रखना है सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे, और हमें चाहिए एक लाइनिंग वाला पीस, तो इस तरीके से लाइनिंग वाला पीस लिया। ये सेम मैंने लिया है 9.5 इंच बाय 8.5 इंच, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो सारे पीसेस के मेजरमेंट सेम ही लिए हैं हमने, लाइनिंग के भी और मेन फैब्रिक के भी। अब इसे रखना है, जिप रखी और इस पीस को रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, ये सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा करते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए, ये मैंने सीधा कर लिया यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, ये देखिए टॉप स्टिच लगा लिया। अब ये जो हमने कट करके पीस अलग किया था इसे ज्वाइन कर लेंगे, इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से, ये रखा, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, तो इस पे पूरे पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे लाइनिंग को यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए, जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही है इस तरीके से, यहाँ से आपको बराबर रखना है, इस तरफ से बराबर रखते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लीजिए, तो हम इसे सीधा करके यहाँ पे टॉप, अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिए, ये भी रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गया। एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेते हैं, तो ये दोनों पीस, तो
दोनों पीसेस रेडी हो गए। अब इसे हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से इसे, ये जो हमारा जिप वाला पोर्शन है यहाँ वाले पोर्शन पे, इसे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जो हमने अभी सिलाई लगाई है इसे इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा दीजिए। एक सेम साइज की हमें लाइनिंग का चाहिए, सेम इसके साइज की एक पीस मैंने लाइनिंग ले ली है। और हमें क्या चाहिए, एक जिप चाहिए जो हम इसके साइडों में लगाएंगे। तो ये जिप ली है, ये मैंने ली है 14 इंच की जिप ली है, जो एक्स्ट्रा होगा हम कट कर लेंगे। अब हमें इसे अलग कर लेते हैं, एक पीस हम यहाँ लगाएंगे, एक इस तरफ लगाएंगे। तो ये मैंने अलग कर लिया, ये हमारी सेंटर वाली जिप है, ये हमारी साइड वाली जिप है। तो सेंटर वाली जिप से यहाँ हम इस सेंटर वाली जिप को कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ से लगाना शुरू करते हैं, यहाँ तक हमें लगानी है, दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है। तो सिंपल ये जिप ली, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है आपको, ये जो है ये सीधी तरफ है, ये देखिए ये सीधी तरफ है, इसे मैं अंदर की तरफ रखूंगी। सीधा इसे इस तरीके से रखते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सेंटर वाली जिप है यहां से इसे इस तरीके से नीचे की तरफ टर्न कर लीजिए। ये देखिए ये जो सेंटर वाली है, यहाँ सेंटर वाली जिप पे आ गए, तो मैंने इसे इस तरीके से टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद इस पर सिलाई लगा लीजिए। अब यहीं से आपको दूसरी जिप रखनी शुरू करनी है, जो हमने दूसरा पीस कट किया था, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो रखना है सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए। इस तरीके से यहाँ पे रखा, आपको कॉर्नर की तरफ से यहां से ये देखिए ये चारों तरफ सिलाई लग गई। एक्स्ट्रा जिप को यहाँ से कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया, इसे सीधा कर लीजिए। यहाँ से हम रनर को इंसर्ट कर देंगे। पहले यहाँ से रनर को इंसर्ट, ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ से हमारा रनर निकले नहीं, तो पहले हम इसे यहाँ पे सिलाई, एक्स्ट्रा जिप को कट कर लीजिए इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए, वाली एक्स्ट्रा जिप को कट कर लीजिए इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए। सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच की, इसे इस तरीके से रखना है, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ, और इस पे पूरे पे सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से ये हमारा पाउच बिल्कुल रेडी हो गया। एक पॉकेट हमारी इसकी यहाँ पे आ गई, 1
एक पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई टू, और एक जिपर पॉकेट हमारी इसकी यहाँ पे आ गई, देखिए इस तरीके से। मोबाइल वगैरह कुछ भी आप रखना चाहते हैं थ्री, तो इस तरीके से थ्री पॉकेट के साथ ये मेरा पाउच बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरीके से।